अब जीतन राम मांझी की पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इसका फैसला हुआ है। बता दें कि 13 दिसंबर को जीतन राम मांझी के आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी की ओर से जानकारी दी गई कि हम पश्चिम बंगाल चुनाव में उतरेगा। वही जीतन राम मांझी ने कहा कि अब राजनीति की दशा बदल चुकी है और जाति धर्म के आधार पर योग्य उम्मीदवार हार जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और एकता से पार्टी मजबूत हो रही है और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को बहुत काम करना होगा। मांझी ने आगे कहा कि बेरोजगार बेटा बेटी के लिए हम काम करेंगे और आपको भी काम करना होगा। सड़क पर भी उतरना पड़े तो उतरेंगे, यह संकल्प लेते हैं हम। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, किसानों को 5 एकड़ जमीन, मुफ्त बिजली और 5 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन और 1 एकड़ जमीन खेती के लिए देने का मेरा लक्ष्य था। मांझी ने कहा कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो भी कल्याणकारी कार्य होंगे उनके हितों की रक्षा के लिए हर विषय हर बिंदु पर हम सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे।